बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा, लास्ट लेक्चर में हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर को डिस्कस किया था, जिसमें हमने एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट से रियल नंबर की प्रॉपर्टीज़ देखी थी। अब उन प्रॉपर्टीज़ के हवाले से क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.1 में, क्वेश्चन नंबर 2। हमें कुछ प्रॉपर्टीज़ दी गई, कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, कुछ इक्वलिटीज़ दी गई हैं, और पूछा जा रहा है कि कौन सी प्रॉपर्टी कंडीशन सेटिस्फाई करती है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 में देखें, 4+9 इक्वल है 9+4 के। तो इन दोनों में देखें, सिर्फ नंबर की जगह बदली हुई है, ठीक है। और जगह बदलने के लिहाज से जो प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी, उस प्रॉपर्टी को हमने नाम दिया था कॉमुटेटिव लॉ। या कॉमुटेटिव प्रॉपर्टी भी आप कह सकते हैं, नॉट नेसेसरी कि आप उसे ला ही कहें, कॉमुटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू। WRT का मतलब है विद रिस्पेक्ट टू। इस वक्त जो ऑपरेशन है इसमें अप्लाई हो रहा वो एडिशन का है, कॉमुटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। जबकि क्वेश्चन नंबर 2 में 3 नंबर दिए जा रहे हैं, a+1+3/4। इधर भी a+1+3/4 है, सिर्फ ब्रैकेट की पोजीशन चेंज है। तो ब्रैकेट की पोजीशन के हवाले से जो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी उसका नाम था एसोसिएटिव लॉ। आप इसे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी कह सकते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू इस वक्त भी जो ऑपरेशन अप्लाई हो रहा है वो एडिशन का है, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। नीचे देखें क्वेश्चन नंबर 3, सिमिलर क्वेश्चन है, √3+√5+√7, 3 रियल नंबर इन्वॉल्व हैं और सिर्फ ब्रैकेट की पोजीशन का फ़र्क है। पहले √3+5 ऐड हो रहे हैं और इक्वलिटी के बाद पहले ऐड किया जा रहा है √5 और √7 को। तो इसके लिए भी सेम नाम, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। नंबर 4 पे आ जाएं, नंबर 4 पे जो प्रॉपर्टी है, नंबर दिया जा रहा है 100 में जब 0 को ऐड किया है तो 0 को ऐड करने पे हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो भी 100 ही है, यानी कि वही सेम नंबर रिपीट हो रहा है। तो इस प्रॉपर्टी को हमने नाम दिया था एडिटिव आइडेंटिटी। मींस 0 हमारी एडिटिव आइडेंटिटी था, एक ऐसा नंबर जिसे हम किसी भी नंबर में ऐड करते हैं तो ऐड करने पे वही नंबर आंसर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, थाउजेंड मल्टीप्लाई बाय वन इक्वल टू थाउजेंड। तो बेसिकली 1 एक ऐसा नंबर था जिसे आप किसी भी रियल नंबर में मल्टीप्लाई करें तो वही रियल नंबर आंसर आ जाएगा, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन से के हवाले से आइडेंटिटी है। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी नंबर 6, (4.1) में ऐड कर रहे हैं -4.1, इक्वल आ रहा है 0 के। अगर किसी भी नंबर में आप कोई ऐसा नंबर ऐड करते हैं जिसे ऐड करने पर आंसर आइडेंटिटी आ जाए, ठीक है, ऐड करने पे आंसर आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी आ रहा है, क्योंकि एडिशन का ऑपरेशन के रिस्पेक्ट से देख रहे हैं, तो हम कहेंगे कि ये इस प्रॉपर्टी का नाम था हमारे लिए एडिटिव इनवर्स। प्रॉपर्टी नंबर क्वेश्चन नंबर 7,
क्वेश्चन नंबर 7 एक्चुअली लिखा हुआ है ए माइनस ए इक्वल टू ज़ीरो। अब इस क्वेश्चन को देख के हम कंफ्यूज होते हैं कि माइनस के हिसाब से तो हमने कोई प्रॉपर्टी नहीं पढ़ी, तो क्या इस वैल्यू को ऐसे नहीं लिखा जा सकता ए प्लस माइनस ए इक्वल टू ज़ीरो। तो अगर आप इस तरह से लिखें तो देखें बिल्कुल ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह ये ए की जगह 4.1 था ऊपर, तो इसका नाम भी एडिटिव इनवर्स। क्वेश्चन नंबर 8 स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 5 इक्वल है स्क्वायर रूट 5 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 2। देखिए इस प्रॉपर्टी में भी जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था, दो नंबर हैं मल्टीप्लाई हो रहे हैं और सिर्फ उनकी जगह बदली हुई है, तो क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट से है तो हम कहेंगे कॉमुटेटिव प्रॉपर्टी। With respect to multiplication. Next question की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 ए मल्टीप्लाई बाय बी माइनस सी इक्वल है ए बी माइनस बी सी। तो इस प्रॉपर्टी में देखें ए को डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है बी को भी और सी को भी, तो ये जो लॉ हमने पढ़ा था उसका नाम था डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, अब ये जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है ये मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन के हवाले से है, ठीक है, या फिर आप इस तरह से भी कह सकते हैं क्योंकि ए जो है वो लेफ्ट से मल्टीप्लाई हो रहा है तो आप इसे इसका नाम ये भी लिख सकते हैं लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। दोनों करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 10 x माइनस वाई इंटू जी इक्वल टू एक्स जी माइनस वाई जी। तो देखिए ये भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ही है, z को डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है x के साथ भी और y के साथ भी, लेकिन इस वक्त जो z है वो राइट साइड से मल्टीप्लाई किया जा रहा है, सो राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। क्वेश्चन नंबर 11 4 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 8 इक्वल है 4 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 8। यहाँ पर देखिए तीन रियल नंबर हैं, तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, फ़र्क क्या है सिर्फ ब्रैकेट की पोजीशन का। तो ब्रैकेट की पोजीशन के साथ जो प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी वो थी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी या एसोसिएटिव लॉ। अब क्योंकि दरमियान में जो ऑपरेशन है वो मल्टीप्लिकेशन का है, सो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 12 ए मल्टीप्लाई बाय बी प्लस सी माइनस डी से लिख सकते हैं ए बी प्लस ए सी माइनस ए डी। तो इसमें भी ए देखें डिस्ट्रीब्यूट ही हो रहा है बी सी और डी से, तो क्योंकि लेफ्ट से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है इसलिए इसका नाम भी लेफ्ट
डिस्ट्रीब्यूटिव, ला तो क्वेश्चन नंबर टू का ये लास्ट पार्ट है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले हमें चंद और प्रॉपर्टीज पढ़नी है रियल नंबर्स की। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज में जो हम प्रॉपर्टीज शुरू करने लगे हैं वो हैं ऑर्डर प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर, जो डील करती हैं इक्वलिटी और इनइक्वलिटी के कॉन्सेप्ट के साथ। कब दो नंबर रियल नंबर बराबर हैं, अगर बराबर हैं तो उनका क्या नाम है, उस प्रॉपर्टी का क्या नाम है एक्चुअली, और अगर उनमें इनइक्वलिटी है तो किस किस कंडीशन में इनइक्वलिटी होल्ड करेगी और किस किस कंडीशन में इनइक्वलिटी डिस्टर्ब हो जाएगी। ये सारी प्रॉपर्टीज़ जो हम पढ़ने लगे हैं इन चीज़ों को डिस्क्राइब करेंगी। सबसे पहले ऑर्डर प्रॉपर्टीज़ में प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वलिटी को देखने लगे हैं। ऑर्डर प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर जिनमें सबसे पहली आ जाती है प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वलिटी। इक्वलिटी के सिंबल के साथ इन दो रियल नंबर्स में इक्वलिटी को डिस्कस करने लगे हैं। ठीक है, जब हम इक्वलिटी को डिस्कस करने लगे हैं तो एक बात तो क्लियर है, अगर एक रियल नंबर टू है तो वो डेफिनेटली टू के ही बराबर होगा। लेकिन ऐसा तो नहीं कह सकते कि आपके पास दो कैंडीज़ हैं और आपके फ्रेंड के पास तीन कैंडीज़ हैं तो मैं कहूँ दोनों के पास बराबर की कैंडीज़ हैं, एक जितनी चीज़ है, या किसी टेस्ट में आपके पाँच नंबर हैं और आपके फ्रेंड के सात नंबर है तो आप ये तो नहीं कह सकते कि दोनों के एक जैसे नंबर आए हैं। तो पहली प्रॉपर्टी इसी चीज़ के साथ डील करती है कि हर रियल नंबर अपने ही बराबर होता है। ठीक है, फॉर ऑल, ये बात तमाम रियल नंबर के लिए होल्ड करती है कि हर रियल नंबर हमेशा अपने बराबर होता है। इस प्रॉपर्टी का नाम हम कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर वन। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, ठीक है, जैसे मैंने अभी डिस्क्राइब किया कि प्रॉपर्टी में हमें क्या बताना है कि हर रियल नंबर अपने ही बराबर होता है। तो हर एक रियल नंबर के लिए बात लिखना बहुत मुश्किल है। तो जैसे हम पहले काम कर रहे थे कि हम रियल नंबर का रिप्रेजेंटेटिव चुन लेते हैं, तो लेट्स से ए को एज अ रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं, और क्योंकि हम कहते हैं कि ये तमाम रियल नंबर की प्रॉपर्टी है, फॉर ऑल ए belongs to set of real number A is equal to A। इस बात को लिखने से हमारी ये मुराद है कि हर real number खुद अपने बराबर होता है, हमेशा बराबर होता है। नंबर टू, symmetric property। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी में हम ये कहते हैं कि अगर आप कह रहे हैं कि 1.5 इक्वल है 3/2 के, देन डेफिनेटली 3/2 भी इक्वल है 1.5 के। ठीक है, सिमेट्रिक को आप इस तरह से फॉलो अप कर लेंगे, अगर आप यूनिवर्सिटी से घर आने के लिए और घर से यूनिवर्सिटी जाने के लिए सेम पाथ फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली जो फासला है यूनिवर्सिटी से घर में या घर से यूनिवर्सिटी में वो बराबर है। कुछ ऐसी ही बात है कि अगर आप कहते हैं कि एक रियल नंबर दूसरे रियल नंबर के बराबर है तो फिर दूसरा भी पहले रियल नंबर के बराबर होगा। सो इस बात को हम मैथमेटिकली जर्नल्स सारे रियल नंबर्स के लिए लिख सकते हैं, फॉर ऑल ए बी कोई से दो रियल नंबर हैं। अगर हम कहते हैं कि ए बराबर है
बी के, देन डेफिनेटली बी बी बराबर है ए के. दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज सिमेट्रिक प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स. नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं. ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी. ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी जब भी हम डिस्कस करेंगे, हम हमेशा तीन रियल नंबर्स की बात करना चाह रहे हैं. ठीक है, कि अगर हम कहते हैं कि एक रियल नंबर है 0.5, वो इक्वल है एक दूसरा रियल नंबर 1/2 के, देन डेफिनेटली वो इक्वल है, या आप ऐसा कह लें 1.5 की एग्जांपल ले लेते हैं, वो ज़्यादा बेहतर रहेगी. अगर ये बराबर है 3/2 के, तो हम इस बात को ऐसे भी लिख सकते हैं, ये इक्वल है 1 × 1/2 के. मीन्स अगर आपके पास तीन रियल नंबर हैं और आप ये कहना चाहते हैं कि एक बराबर है, ए बराबर है बी के, और बी बराबर है सी के, देन ए इज़ आल्सो इक्वल टू सी. ठीक है, मीन्स अगर 1.5 बराबर है 3/2 के एंड 3/2 इक्वल है 1 × 1/2 के, देन डेफिनेटली 1.5 इक्वल है 1 × 1/2 के. ठीक है, इस बात को जनरली तमाम रियल नंबर्स के लिए लिखने के लिए हम अज्यूम करते हैं कि हमारे पास कोई से तीन रियल नंबर है ए बी सी. फॉर ऑल लिखने का मुराद है कि कोई से भी तीन रियल नंबर ले लें जो बिलोंग करते हों सेट ऑफ रियल नंबर से. अगर हम कहते हैं कि ए इक्वल है बी के एंड बी इक्वल है सी के, तो ये इम्प्लाई करता है ए बी इक्वल होगा सी के. जैसे छोटी क्लासेस में आप क्वेश्चन करते थे जिसमें आप भी कहते थे कि अगर लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड दोनों क्वेश्चन की सेम आ गई हैं, तो हम कहेंगे कि अगर लेफ्ट सेम है तो डेफिनेटली राइट भी सेम होगी. यही लॉजिक आप हमेशा इस्तेमाल करते हैं, और एक्चुअली यही लॉजिक ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी का है. उसी लॉजिक को हम एक्चुअली ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी कहते हैं. ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी के बाद अगली प्रॉपर्टी एडिटिव प्रॉपर्टी है. एडिटिव प्रॉपर्टी में हम कहते हैं कि अगर मैं कह रही हूँ कि दो रियल नंबर हैं और वो बराबर हैं, जैसे 1.5 इक्वल है 3/2 के, और कोई तीसरा रियल नंबर हम ऐड कर लेते हैं दोनों तरफ, इक्वलिटी के दोनों साइड पे हम एक तीसरा थर्ड नंबर ऐड करते हैं. लेट्स से 1.5 में हम ऐड करने लगे हैं 0.5 3/2, और इधर भी ऐड करने लगे हैं 0.5. ठीक है, तो जब आप ऐड करेंगे तो ऐड करने के बाद दोनों साइड पे आंसर सेम ही आएगा. ठीक है, एक्चुअली इसको कैलकुलेट इस तरह से कर रहे हैं, 3/2.5 को आप लिख सकते हैं 1/2. सिंपली एलसीएम कैलकुलेट करें, 3 + 1 = 4/2, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आपके लिए डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 2. तो बेसिकली एडिटिव प्रॉपर्टी में हम ये बताना ये चाहते हैं कि अगर दो रियल नंबर बराबर हैं, तो अगर आप इक्वलिटी के बोथ साइड पे सेम नंबर ऐड करेंगे, तो सेम नंबर ऐड करने पर भी आंसर चेंज नहीं होगा, इक्वली रहेगा. ठीक है, अगर वो नंबर पहले बराबर थे तो ऐड करने के बाद भी बराबर हैं. फॉर ऑल रियल नंबर्स ए बी इफ ए इज इक्वल टू बी and c is also a real number greater than 0. Greater than 0 mean c is a positive real number. ठीक है,
और नेगेटिव, अगर नेगेटिव कहना है तो उसके लिए सी इज़ लेस देन ज़ीरो, इस तरह से कह सकते हैं, और ज़ीरो, ठीक है। इस केस में सी आप ज़ीरो भी कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि सारी पॉसिबिलिटी कंसिडर करने पर सेम रिज़ल्ट है। सो ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू ज़ीरो कहने की बजाय हम कह लेते हैं एंड सी बी एनी रियल नंबर। सी कोई रियल नंबर है, ठीक है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और ज़ीरो भी हो सकता है। देन ए प्लस सी इक्वल होगा बी प्लस सी के, मींस ऐड करने के बाद भी इक्वलिटी में कोई डिस्टर्बेंस पैदा नहीं होती। अगर दो नंबर पहले इक्वल थे तो उनमें बोथ साइड सेम नंबर ऐड करने पर भी आंसर इक्वल ही रहेगा। जिस तरह एडिटिव प्रॉपर्टी है बिल्कुल इसी तरह मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है। नंबर फाइव, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, बाकी सारी बातें इसी तरह कि अगर ए बी कोई से दो नंबर है जो दो रियल नंबर है और सी कोई रियल नंबर है, अगर ए इक्वल है बी के और आप एक नंबर सी सेम टाइप सी दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आफ्टर मल्टीप्लिकेशन भी आंसर सेम ही रहता है। अगर दोनों नंबर मल्टीप्लाई होने से सी से मल्टीप्लाई होने से पहले बराबर थे तो सी से मल्टीप्लाई होने के बाद भी बराबर ही रहेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल टू इज़ इक्वल टू टू, अगर आप एक सेम नंबर थ्री से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करें तो डेफिनेटली तब आंसर सेम ही रहेगा, ठीक है, इक्वली रहेगा। सेम रहने से मुराद मेरी ये है कि इक्वल रहेगा, मैं ये नहीं कह रही कि टू और सिक्स आपस में बराबर हैं, हम ये कह रहे हैं कि अगर पहले दोनों आपस में इक्वल थे तो बाद में भी दोनों आपस में इक्वल हैं। जिस तरह हम नंबर्स को ऐड करने की बात कर रहे हैं, एडिटिव प्रॉपर्टी पढ़ी है, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी है, इसी तरह इन दोनों प्रॉपर्टीज़ का रिवर्स प्रॉपर्टीज है। प्रॉपर्टी नंबर सिक्स, कैंसलेशन लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। कैंसलेशन लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन से हमारी ये मुराद है, ये लॉ आप हमेशा इस्तेमाल भी करते रहे हैं जब आप इक्वेशंस को सॉल्व करते रहे हैं। इस लॉ के मुताबिक अगर हमारे पास कोई से तीन रियल नंबर हैं, बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर, और ए बी ए प्लस सॉरी ए प्लस सी इक्वल है बी प्लस सी के, यानी कि ऑलरेडी एक सेम नंबर दोनों तरफ ऐड हो रहा है, तो इस सेम नंबर को कैंसिल किया जा सकता है, माइनस किया जा सकता है। माइनस करने के लिए बेसिकली हम क्या करते हैं, दोनों तरफ माइनस सी को ऐड कर देते हैं। जब दोनों तरफ माइनस सी को ऐड करेंगे तो ए इक्वल आ जाएगा बी के। जो आपने एडिटिव प्रॉपर्टी पढ़ी है बिल्कुल उसके उल्टा ये प्रॉपर्टी, कि अगर हमारे पास ए बी सी कोई से तीन रियल नंबर है और इस तरह से कि ए प्लस सी इक्वल है बी प्लस सी के, तो सी को दोनों साइड से कैंसिल किया जा सकता है तो ए इक्वल ही आएगा बी के, ठीक है। बिल्कुल उसी तरह जैसे अभी हमने बात की थी, अगर सिक्स इक्वल है सिक्स के तो सिक्स को एक्चुअली हमने लिखा हुआ था टू प्लस थ्री, एंड टू प्लस थ्री हम दोनों साइड से थ्री को कैंसिल आउट कर दें तो टू इक्वल टू टू ही रहेगा। मीन्स थ्री को कैंसिल किस तरह से करेंगे, हम ये कह रहे हैं कि टू प्लस थ्री में माइनस कर दें इधर भी थ्री और माइनस कर दें इस तरफ भी थ्री, तो ये आ जाएगा ज़ीरो, टू प्लस ज़ीरो टू इज़ इक्वल टू टू, ठीक है। और इस प्रॉपर्टी का आप इस्तेमाल भी करते हैं, मे बी इस तरह से करते हो कि अगर थ्री यहाँ पर प्लस हो रहा है इक्वलिटी के दूसरी तरफ ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो प्लस माइनस कैंसल टू इक्वल टू टू, आप इस तरह भी इसे इस्तेमाल करते रहे होंगे अपनी लोअर क्लासेस में। इसी तरह जिस तरह हमने मल्टीप्लिकेशन के एडिशन के लिए ये लॉ पढ़ा है, बिल्कुल इसी तरीके से हम
मल्टीप्लिकेशन में भी यही बात कर सकते हैं कि अगर एक नंबर ए से मल्टीप्लाई हो रहा है नंबर सी और इधर भी मल्टीप्लाई हो रहा है नंबर सी, ठीक है, तो जब आप सी को बहुत साइड कैंसिल करेंगे तो ए इक्वल आ जाएगा बी के। कैंसिल करने का प्रोसेस हमारा बेसिकली कैसा रहता है कि हम बहुत साइड सी के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से डिवाइड कर लेते हैं, सी सी से कैंसिल, सी ए इज इक्वल टू बी, एक्चुअली कैंसिल नहीं हो जाता, सी डिवाइडेड बाय सी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी वन आ जाता है, वन मल्टीप्लाई बाय ए ही आंसर आएगा, ठीक है। हम ये कहना चाह रहे थे कि हम कह रहे थे कि सी कोई भी नंबर हो सकता है लेकिन सी को ज़ीरो नहीं होना चाहिए। ज़ीरो होने पर क्या होगा कि जब आप ज़ीरो का रेसिप्रोकल लेंगे वन ओवर ज़ीरो, तो इस नंबर का मैथमेटिक्स में फ़िलहाल कोई जवाब नहीं है, हम कहते हैं ये नंबर अनडिफाइन है। अगर आप कैलकुलेटर पे वन डिवाइडेड बाय ज़ीरो लिखें तो वो भी आपको मैथ एरर दे देगा, मीन्स कि अभी तक हम इसका जवाब कैलकुलेट नहीं कर पाए। सो हम कोशिश करते हैं कि इस नंबर को अवॉइड करें, और इसलिए हमने अक्सर क्वेश्चंस के साथ ये रिस्ट्रिक्शन लगाई होती है कि हमारा अननोन वेरिएबल कोई भी नंबर हो सकता है बट ज़ीरो नहीं हो सकता, ठीक है। अक्सर इनइक्वालिटी के साथ आपने इस तरह की रिस्ट्रिक्शंस देखी होंगी। तो ऑर्डर प्रॉपर्टीज़ में प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वलिटी टोटल सात थी, जिसमें से पहली रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी थी। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी में हमने डिस्कस किया था कि हर रियल नंबर खुद अपने बराबर होता है। उसके बाद सिमेट्रिक प्रॉपर्टी है। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी में हम कहते हैं कि अगर हम कहते हैं पहला रियल नंबर दूसरे के बराबर है तो दूसरा पहले के बराबर है। तीसरी प्रॉपर्टी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी थी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी में कहते हैं कि हम अगर एक रियल नंबर दूसरे के और दूसरा किसी तीसरे नंबर के बराबर है तो पहला और तीसरा नंबर भी आपस में बराबर होंगे। जबकि एडिटिव प्रॉपर्टी में हम कह रहे थे कि अगर हम अगर दो नंबर इक्वल हैं उनमें बहुत साइड सेम नंबर ऐड कर दें, कोई भी नंबर ऐड कर दें, एनी रियल नंबर, तो ऐड करने के बाद भी इक्वलिटी होल्ड करती है, ठीक है। उसके बाद मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी थी। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी में भी हमारा यही मोटो था कि अगर कोई से दो रियल नंबर इक्वल हैं उन दोनों में को सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए तो मल्टीप्लाई करने पर बोथ साइड आंसर इक्वली रहेगा। पहले भी दोनों नंबर इक्वल थे, मल्टीप्लाई करने के बाद भी इक्वली रहेंगे। नेक्स्ट में हमने कैंसलेशन लॉ पढ़ा विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, कि अगर इक्वलिटी में बोथ साइड सेम नंबर ऐड है तो हम उसे कैंसिल कर सकते हैं तब भी इक्वलिटी होल्ड करेगी। और थर्ड लॉ हमने पढ़ा कैंसलेशन लॉ, सॉरी थर्ड नहीं लास्ट सेवन्थ वाला, कि अगर बोथ साइड सेम नंबर से मल्टीप्लाई करें हो रहा है एक नंबर तो उस नंबर को कैंसिल किया जा सकता है तो तब भी इन इक्वलिटी जो है उन दोनों नंबरों में होल्ड करेगी। जब आपने कैंसलेशन लॉ अप्लाई करना है तो हमने ये रिस्ट्रिक्शन लगाई है कि जिस नंबर को कैंसिल करना है वो कोई भी नंबर हो सकता है एक्सेप्ट ज़ीरो।